नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ एक नए तरीके की चटनी जो ठंडी के मौसम में सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप देखिए कैसे हम बना रहे हैं इसको, आप चलते हैं बनाते हैं। देखिए अब हम इसमें कढ़ाई में कढ़ाई रखें, कढ़ाई पे हम तेल डालेंगे। हम सफ़ेद तिल डालेंगे, राई डालेंगे, सरसों का दाना, जीरा डालेंगे 2 चम्मच, कड़ी पत्ता डालेंगे, मिर्ची डाल रहे हैं आप अपने हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। इसमें हम ये मूंग का भिगाया हुआ दाल था वो हम डाल रहे हैं इसमें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये लहसुन अदरक और मिर्ची है हम डाल रहे हैं। थोड़ा चलाएंगे, कटा हुआ हमने नारियल रखा है वो डाल रहे हैं। सर्दियों में ऐसा चटनी बना के खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हमने मूंगफली रखा था, मूंगफली डाल दिया है थोड़ा सा। चटनी पूरा विटामिन से भरपूर है, इसमें सब डाला हमने। तिल वगैरह तो सर्दियों में तिल खाना भी अच्छा है और सरसों भी सर्दी के मौसम में शरीर के कितना फायदेमंद है। अभी हो गया है, देखिए फिर अभी हो गया है। अब इसको हम मिक्सर में डालेंगे। अब इसमें हम धनिया का ये पत्ता डाल देंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे इसमें, 2 चम्मच नमक डाल दिए हैं। अभी इसमें हम थोड़ा चीनी डाल देंगे। आपको अगर नींबू डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ नींबू नहीं डाला है। आप नींबू आपको अगर पसंद है तो डाल सकते हैं। इसको हम पीसेंगे मिक्सर में। देखिए फिर मेरा चटनी पीस के हो गया है। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। आप तड़का जरूर देखिएगा कैसे लगाते हैं। अभी हम तड़का लगाएंगे। अभी हम इस कढ़ाई में तेल डालेंगे। इसमें 1 से 1.5 चम्मच तिल डालेंगे सफ़ेद। एक चम्मच सरसों डालेंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे। थोड़ा सा मूंग दाल भीगा हुआ डाल देंगे 1 चम्मच। देखिए फिर ये तड़का होके तैयार हो गया है। आप सर्दी के मौसम में ऐसा चटनी बना के ज़रूर खाइएगा।
अब मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसको हम चटनी में तड़का दे रहे हैं, बहुत टेस्टी चटनी बनके तैयार हो गया है। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। देखिए चटनी बनके तैयार हो गया है, आप भी बनाइएगा। एक नई रेसिपी के साथ चटनी बनके तैयार हो गया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।